सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। राजपुरा की नरवाना ब्रांच नहर में से कार समेत एक नौजवान की लाश थाना खेड़ी गंडिया की पुलिस को बरामद हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजपुरा के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। इस मौके पर SHO खेड़ी गंडिया ने बताया कि हमें सूचना मिली कि नहर में कार समेत नौजवान गिर गया है। हमने उसी समय क्रेन व गोताखोरों की मदद से कार को नहर से निकलवाया और मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि मृतक का नाम सुखपाल सिंह निवासी बनूड़ है, जो कि रात राजपुरा के एक पैलेस में विवाह समारोह में आया था। मृतक ने अपनी पत्नी को कुछ ही मिनट पहले फोन करके बताया था कि वह 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा, पर उसके बाद फोन बंद हो गया। आइए सुनते हैं क्या कहना है SHO साहब का। पुलिस नू आज सवेरे 3 बजे इनफॉरमेशन मिली सी कि एक मुंडा जिसका नाम सुखपाल सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह यह बनूर के रहने वाले ने गे अभिनंदन पैलेस जो अपने गंडा खेड़ी के एरिए पैंदा है इतने एक मैरिज फंक्शन अटेंड करना है। मैरिज फंक्शन अटेंड करन तो बाद इन्होंने अपनी वाइफ नू कॉल करी है इन्होंने घरदे दी इनफॉरमेशन मुताबिक कि मैं इतों चलन लगी 9:45 से। उस तो बाद 10:30 बजे इसकी वाइफ ने इनू कॉल्स भी करियां ने बट इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इन्हों की लाश सानू सवेरे गंडा खेड़ी नहर तो गोताखोरों की हैल्प के नाल असी उतों गड्डी कढ़ा के क्रेन की हैल्प नाल उहदी गड्डी दे विचों ही लाश मिली है। तो लाश नू असी राजपुरे मोर्चरी हॉस्पिटल जमा करा दिता सिविल हॉस्पिटल राजपुरा। अगली कार्रवाई जो जारी है राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।